नमस्कार। इस समय अत्यंत धातुओं के विवेचन पर आज हम यंगलुंग की प्रक्रिया पर कुछ दृष्टि डालते हैं। मैं एक निवेदन करूं कि बहुत से आचार्यों ने ये सिद्ध किया कि जो यंगलुंग की प्रक्रिया है ये छांदस है, अर्थात इसका छंद मात्र में, वेद मात्र में इसका प्रयोग होना चाहिए। और हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने इस प्रकार के, कतिपय आचार्यों ने इस प्रकार की अवधारणा स्थापित की है। परंतु पाणिनि के जो सूत्र सिद्धांत हैं या उनकी जो विवेचना है, शैली है, उसके आधार पर हम ये प्राप्त होता है, प्राप्त करते हैं कि ये छांदस भी है और लौकिक भी है। क्योंकि बोभवीत इत्यादि प्रयोगों में, दाधर्त इत्यादि जब की रचना होती है तो वहाँ पर एक आचार्य कहते हैं कि ये छंद में ही ये विधि आपकी होती है। तो यदि ये छांदस होता, छंदो मात्र का विषय होता, तो छंद में ऐसा विधान यंगलुंग में होता है ये कहने का संवाद प्राप्त नहीं होता, अवसर प्राप्त नहीं होता। और आचार्य ने ऐसा विचार दाधर्त इत्यादि के निपातन के प्रकरण में किया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये छांदस भी है और इसका हम लोक में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने और जो पुण्यात्मा कवि हैं, कालिदास प्रभृति लोग, उन लोगों ने भी पर्याप्त मात्रा में यंगलुंग की प्रक्रिया का आशय करके अपनी काव्यधारा को चमत्कृत किया है। तो इसलिए आज इस यंगलुंग की प्रक्रिया में हम जो है वो थोड़ा से सामान्य रूप से हम अपनी दिशा तय करते हैं। विचार करना है कि यंग प्रत्यय आपका है और यंग प्रत्यय के संदर्भ में हमने विवेचना की है कि धातो रेकाचो हलादेह क्रिया समविव्यहारे यंग, ये हमारा सामान्य सूत्र है। धातु हो, हलादि धातु हो, एकाच हो, अर्थात यंग प्रत्यय सामान्यतः उन्हीं धातु से होगा जो एकाच होंगी, हलादि होंगी। और अर्थ का अभिप्राय है कि क्रिया समविव्यहार, जहाँ विषार्थ में क्रिया की अतिशयन प्रतीति है या पुनः पुनः प्रतीति है, तो उसी विषार्थ में और समविव्यहार में, समविव्यहार का मतलब किसी क्रिया का पुनः पुनः उत्थापन, पुनः पुनः उस क्रिया का प्रत्यावर्तन है, वो समविव्यहार कोटि में क्रिया प्राप्त होती है। तो स्पष्ट है कि धातु को हलादि होना चाहिए, एकाच होना चाहिए और एकाच के साथ साथ उसे जो प्रत्यय का विधान करते हैं, यंग प्रत्यय का विधान करते हैं, उस स्वार्थ में ना होकर के आपका भ्रसार्थ में या और भ्रसार्थ भी क्रियागत ही होना चाहिए और अतिशय समय विहार में उसकी प्रतीति होनी चाहिए। ये उसकी अपनी अर्थ की स्थिति है आपकी। तो यंग प्रत्यय जैसे हम विचार करते हैं, पुनः पुनः अतिशयन वा भवति, तो हमने एक प्रयोग बनाया था बोभूयते, ये एक प्रयोग बनाया था क्योंकि वहाँ यंग प्रत्यय का सानिध्य है और यंग प्रत्यय के सानिध्य में हम वहाँ पर आत्मने अंदात्मने पदम से आत्मने पद का हम व्यवहार कर लेते हैं, ये हम इस दशा को तय कर रहे हैं। परंतु जहाँ पर यंग प्रत्यय होगा और उसका लुक हो जाएगा तो वहाँ पर गिदंतत्व तो ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का असाधारण धर्म, असाधारण धर्म का तात्पर्य है प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म प्रत्यय में रहे और प्रत्यय के अलावा कहीं न रहे, वो प्रत्यय का असाधारण धर्म कहलाता है। ऐसा जो धर्म है वही आपका प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम से उपस्थित होता है, अदृष्ट होता है। चूँकि ये जो व्यवस्था है आपकी,
ये जो गिदंतत्व है तो गित्त धर्म ये धातु में भी है और पत्ते में भी है। सिंह इत्यादि धातुएं हमें वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं कि गित्त हैं, उसका फल सेते इत्यादि में आत्मनिपद का मिलता है और पत्ते का आप प्रत्यक्ष दर्शन कर ही रहे हैं। इसलिए प्रत्यापृत्ति उभय साधारण धर्म हो जाने के कारण, प्रत्याप्रत्यय वृत्ति उभय साधारण धर्म हो जाने के कारण यहाँ पर प्रत्यय रूपे प्रत्यय रक्षणम की विषयता नहीं होती है। अतः एक हम सामान्यतः उदाहरणा कर सकते हैं, एक सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं कि यंग लुक में एक दो जगह स्थल हैं जिनके लिए विशेष निर्देश किया गया है कि प्राय करके अधिकांश मात्रा में यहाँ आत्मने पद का प्रयोग न हो करके परस्मै पद का ही प्रयोग आपका संपन्न होता है। तो आइए एक प्रयोग की सिद्धि पर हम विचार करते हैं। जैसे यहाँ पर भी विग्रह वही होगा जो यगंत का विग्रह होता है, पुनः पुनः अतिशयनवा भवति इति बो भवीति, और पक्ष में आपका रूप बनेगा बो भोति, ऐसा रूप बनता है। प्रक्रिया के लिए भू धातु है और भू धातु से हम यंग प्रत्यय का विधान करेंगे। संयंगोह से हम द्वित्व का विधान करने के पहले ही, क्योंकि ये जो यंगोच है वहाँ एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि अनमित्त कोयम अंतरंगत्वात् प्रागेव प्रवर्तते, ये अच के पड़े रहने पर भी लुक का विधान होता है, क्योंकि सूत्र में अच का विधान है ही है। और इसी अच विधान, अच निमित्तक लुक विधान को देख करके हम जो पचादी है उसको हम आकृत गण की कल्पना करते हैं। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि जो अंतर अनमित्तकत्वात् ये जो यंग लुक है यहाँ पर किसी को निमित्त नहीं बना रहा है। अच में किसी को निमित्त बना ले यहाँ तो चकारात्तम बिनापि, अच प्रत्यय के पड़े रहने पर और चकारात्तम बिनापि यंगोची च, अच माने अच प्रत्यय पढ़ो तो यंग का लुक होता है और चकार यदि अच प्रत्यय नहीं हो तब भी लुक बनता है, इसलिए अनिमित्तिक है, अंतरंगत्वात् प्राक इसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अतः भूधातु से यंग यंग का लुक कर देंगे, फिर भी इसको हम यगंतत्व आ जाएगा, क्योंकि यग गित्त भले आपका प्रत्ययमात्र वृत्ति धर्म ना हो, यंग तो आपका प्रत्ययमात्र वृत्ति धर्म है। उस यगंतत्व बुद्धि से संयंगोह सूत्र के द्वारा हम उन द्वित्व का विधान कर देंगे तो भू और भू ये स्थिति आपकी बनती है। ऐसी स्थिति में सनाद्यंता धातवः लट लकार लट के स्थान पर तिप प्रत्यय का विधान करते हैं। गुणो यंग लुको हो यंग यंग लुक चा अभ्यासस्य गुणः स्यात्, तो अभ्यास को गुण का विधान कर देंगे, इसलिए बो भू और ती ऐसा प्रयोग बनता है। यहाँ पर यंगो वा सूत्र है, ये आपका ईड का आगम विकल्प से करता है, यंगो वा ईड आगम विकल्प भवती, यहाँ थोड़ा से प्रिंट है, ईड का आगम होता है, ये ध्यान देने की बात है। तो दीर्घ हिकार है तो इतना ध्यान देना चाहिए, इस कारण से बो भवीति ऐसा रूप है, तो बो भू ई ती ऐसा बनेगा, गुण करेंगे अवादेश कर देंगे तो इस तरह से वो भवीति, तिप प्रत्यय आपका सार्धातुक है इसलिए गुण होने में कोई आपत्ति उसको नहीं है। अवादेश होने में आजादी भी ईडागम के संयोग से आजादी भी हो गया है, इसलिए हमारा अवादेश होने में कोई आपत्ति नहीं है, अतः वो भवीति ऐसा प्रयोग बन जाएगा। जिस पक्ष में हम ईडागम नहीं करते हैं तो उस पक्ष में सीधा सा तिप को निमित्त मान करके गुण का विधान कर दे, यद्यपि यहाँ पर भूस्वोस्तुंग आपका निषेध है फिर भी हमने निपातन किया है, इसलिए वो भूत इत्यादि निपातन है, इसी निपातन के प्रमाण से इसका हम लौकिकत्व ज्ञापित करते हैं, तो इस कारण से लौकिक व्यवस्था के क्षेत्र पर धातु आ जाती है, अतः ये गुणमात्र का विधान करके वो भूत ऐसा प्रयोग बन जाता है। यंग लुक में कतिपय धातु हैं जो हम सामान्य प्रक्रिया है जिनकी उपधा में क्या है ऋदुब्धस है, तो ऋत ऋकार इसकी जैसे वृत्तु वर्तने धातु है वहाँ पर भी क्या है कि रुक कागम ऋक कागम और ऋक कागम ये तीन आगम होते हैं। और भी विचार के जहाँ ऋत है जहाँ जो धातु ऋकारांत है वहाँ भी इस प्रकार के आगम का हम विधान करते हैं, ये भी सारी चीज़ें वहाँ भी होती हैं। एक पहले हम उपधा में जहाँ धातु है ऋकार है वहाँ विचार करते हैं, जैसे वृत्त वर्तने है तो वृत्त से वृत ऐसा बन जाएगा, रुक करेंगे तो वर वृत्ति, क्योंकि वृत्त है और लट लट के स्थान पर तिप ईट कागम और अभ्यास को रुक कागम कर देने के बाद वर वृत्ति, रिक कागम कर दे वर वृत्ति
और जब ऋक का आगम करेंगे तो वरि वृतीति ऐसा रूप बनेगा आपका जो है। और फिर इसके और भी रूप हैं, जब इट का आगम नहीं करेंगे तब भी आप देखेंगे कि सामान्य रूप बनेगा आपका जो है, वरि वर्तति वरवर्तति इस प्रकार के रूप बनते हैं, वरि वर्तति और वरि वर्तति इस प्रकार के रूप आपके संपन्न हो जाते हैं ईट के अभाव पक्ष में, कि ईट का आगम यहाँ पर यंगो वासुत्य के द्वारा वैकल्पिक है, भी ध्यान देना चाहिए। और एक तोतोर्ति ऐसा विधान बनता है, तो यहाँ पर यद्यपि नधातुलोपार धातु के सूत्र है आपका जो है, और ये गुण बुद्धि का निषेध करता है, तो इस सूत्र के द्वारा अर्धातुक निमित्तक जो है वो गुण बुद्धि का विधान रख सकते हैं, फिर भी इसको हमने निपातन के क्षेत्र में माना है, इसकी विशेष प्रक्रिया उसी अंतराल में इसको हम समझ सकते हैं। और भी देखेंगे कि जैसे सामान्य जो उसकी सिद्धि प्रक्रिया है जिसका निर्दर्शन हमने किया है इस पटचित्र के माध्यम से, उसका भी हम स्पष्टतः दिग्दर्शन प्राप्त करते हैं, जिसके कारण हम सिद्धि प्रक्रिया को समझने के लिए हमें बहुत ही अनुकूलता भी मिल जाएगी। रुक रुक का भी विधान देख लेंगे, ये भी उसी रूप में हमें जो सामान्य प्रक्रिया है उसका निर्दर्शन करता है। विशेष करके कुछ धातुएं हैं जहाँ ऊठ का आगम करता है उपधा में, जिसके लिए हमने विधान किया है, जो मव धातु है वहाँ से आपका मामोत इस प्रकार का प्रयोग बनता है, जूह इस प्रकार का प्रयोग बनता है, और इसी प्रसंग में हमने धातुलोपार धातुके का भी स्मरण किया है, यहाँ गुण इत्यादि का जो प्राप्ति है वो निषेध हो जाता है। तो यद्यपि इसकी प्रक्रिया में बहुत सी बातें हैं, लेकिन जितना अपेक्षित समय है तो सामान्य दिशा के रूप में हम उसका प्रतिबंधन करते हैं। और ये भी विचार करना है कि इटकागम ना होने के बाद कैसी कैसी क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हमको इस रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। मैं आपके सामने इस पाठ को इसी रूप में उपस्थित करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।